प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास की क्लास शुरू करेंगे और जनरल स्टडीज़ में इतिहास से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इतिहास की क्लास लेकर आए हैं। अभी हमने कुछ क्लास भारतीय संविधान पर बनाई हैं, उसमें उसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन थोड़ा एक दो क्लास हम इतिहास को भी साथ में लेकर चलने की सोच रहे हैं। तो इतिहास और संविधान दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, आगे फिर इसी के साथ में अर्थव्यवस्था को भी लेंगे और फिर और जो सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरमेंट है, ठीक है, या ज्योग्राफी है, उसे भी हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आज इतिहास की पहली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है इसका पता कैसे चलेगा, सामान्य सी परिभाषा देखते हैं। देखो, आज और बीते हुए कल, आज और बीते हुए कल के बीच में जो संवाद होता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। आज और बीते हुए कल के बीच के संवाद को, इतिहास कहा जाता है। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, हो सकता है आपने देखा भी हो, कहीं किसी टीचर को बताते हुए सुना होगा कि इतिहास का मतलब होता है कि अतीत की वस्तुओं को, अतीत की घटनाओं को जानना। वो बात भी सही है कि अतीत की घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकली चेंज करना पड़ेगा। अतीत की घटना तो रोज़ होती है, रोज़ अतीत बनता है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ये अतीत हो जाएगा, एक घंटे बाद में ये अतीत हो जाएगा, फिर आगे दिन निकलते चले जाएंगे और ये दिन अतीत में बदलता चला जाएगा। तो सब चीज़ें इतिहास में नहीं बदलती। तो इतिहास से फिर क्या होता है इतिहास, देखो इसके साथ में एक चीज़ जुड़ती है कि जो इतिहास के तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, इतिहास की घटनाएं जो हैं, इतिहास की घटना का मतलब है अतीत की घटनाएं, अतीत की जो घटनाएं हैं उनकी जो सत्यता है, ठीक है, वो तथ्यात्मक और लॉजिकल होनी चाहिए, वो तथ्यात्मक एवं तार्किक हो, ठीक है, और वो एक सिस्टमैटिक ढंग या सिस्टमैटिक वे में हो, उसका एक अपना सिस्टम हो, तो उसी को इतिहास कहा जाएगा, ठीक है। जैसे इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनके तथ्यपरक सबूत जो हैं पाए गए हैं, चाहे फिर वो साहित्यिक सबूत हों उनके, चाहे फिर वो धातु के आधार पर पता किया गया हो, तो जितना भी तथ्यात्मक और तार्किक हमारे पास स्रोत है, अगर वो एक सिस्टम में है हमारे पास घटनाओं का, या सामाजिक घटनाएं हो, फिर वे आर्थिक घटनाएं हो, राजनीतिक घटनाएं हो, सभी को हम क्या कहेंगे, इतिहास। और बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा मतलब तो यही समझिए कि आज और बीते हुए कल के बीच के संवाद को हम इतिहास कहते हैं। तो आज का मतलब क्या है, वर्तमान, और बीता हुआ कल का मतलब क्या है, अतीत। तो वर्तमान और अतीत के बीच का जो संवाद है वो क्या है, इतिहास। तो आज और बीते हुए कल के बीच के संवाद को इतिहास कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है, ठीक है। अब इतिहास क्या है ये तो आपकी समझ में आ गया, अब देखते हैं कि इतिहास की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मान लिया किसी से पूछ लिया जाए कि भाई इतिहास को पढ़ के क्या हो जाएगा, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में पढ़ के क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप, इतिहास वर्तमान की नींव होती है, ठीक है, और वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इतिहास वर्तमान की नींव होती है, यानी कि जो आज बिल्डिंग खड़ी हुई है इतिहास क्या है, उनकी नींव है। तो इतिहास वर्तमान की नींव, अर्थात वर्तमान को जानने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है, अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। मैं कह सकता हूं वर्ल्ड ऑर्डर जो है,
जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया का अभी चल रहा है, उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, मैं कहने लगूं कि अभी जो अर्थव्यवस्था की जो नींव है या अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप हुई है, तो उसे जानने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है मतलब समाजवाद है या पूंजीवाद है या और भी कोई राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, साम्यवाद है, ठीक है, या लोकतंत्र है, उसे समझने के लिए अगर मैं इतिहास ना पढ़ूं और वर्तमान की बातों पर ऐसे ही उन्हें पढ़ के और ऐसे ही जस्टिफाई करने लगूं, तो मैं उसके साथ न्याय नहीं कर सकता, तो मुझे उसके लिए इतिहास में जाना ही होगा। लोकतंत्र को आज समझना है तो लोकतंत्र का इतिहास भी समझना होगा। जैसे आज के लिए लोकतंत्र क्या है, लोगों का लोगों के लिए शासन लोगों के द्वारा, लेकिन ये कैसे डेवलप होता है, इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, इसको देखते हैं, और जब उसको देख के उसमें सुधार आए हैं, वे सुधार आज किए गए हैं, और उन्हीं सुधारों के आधार पर आज विकास की नींव खड़ी है। तो इतिहास विकास की नींव का भी एक क्या है, आधार है। यानी कि वर्तमान को समझना है तो इतिहास को जानना होगा और आगे की दिशा तय करनी होगी, आगे की दिशा भविष्य। तो भविष्य की दिशा तय करने के लिए, यानी कि आगे की दिशा का मतलब क्या है, विकास की दिशा तय करने के लिए, विकास की दिशा को तय करने के लिए किसको जानना जरूरी है, इतिहास को जानना जरूरी है। ठीक है, अभी मान लिया कोई एक सामान्य सवाल पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यूअर से इंटरव्यू में कि बताइए इतिहास जानने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं, अब जैसे हमारे भारत में चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख में, ठीक है ना, तो अब उसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के साथ साथ उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता, उसे हमें इतिहास में झांकना होगा, हमें तब जाना होगा जब LAC खींची गई थी, या उससे भी पहले जब अंग्रेजों का चाइना के साथ संबंध था, या उससे भी पहले जाना होगा, और इतिहास की जड़ें खोदनी होंगी और देखना होगा कि ये जो घाव है ये कैसे बना हुआ है। तो इस घाव का हमें पता कहाँ चलेगा, इतिहास में। तो इसे आज के तर्कों पर हल नहीं कर सकते, इतिहास में इसका हल खोजना होता है, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही वो आज समस्या बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आती है इतिहास की बात, कि इतिहास को लिखा किसने है, भारतीय इतिहास को जाना कैसे गया और इसको आगे कैसे बढ़ाया गया। तो देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय इतिहास को भारतीयों ने नहीं लिखा, सबसे पहले भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा। यानी कि एक जेम्स मिल थे विद्वान जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत का इतिहास सबसे पहले लिखा। ठीक है, 1817 में उन्होंने भारतीय इतिहास का प्रारूप तैयार किया और सरकार के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें उनका जो बंटवारा था इतिहास का, उसे तीन भागों में बांटा था उन्होंने, पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं। देखो, ऐसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो 1817 में जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा भारत का, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा उन्होंने, इतिहास को तीन भागों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अब देखो, वो तो अंग्रेज थे और भारत पर राज करते थे। ठीक है, तो ये जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा, उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं, देखो इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे उसने जो छठी सातवीं शताब्दी तक का जो काल माना, उसे हिंदू काल माना, आठवीं दसवीं शताब्दी के बाद फिर मुस्लिम काल माना, और प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद फिर उसने ब्रिटिश काल माना है। ठीक है, तो इसमें देखो, उसका जो मुख्य उद्देश्य था,
वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। साम्राज्यवाद से, मैं कहूँ कि साम्राज्यवाद से प्रेरित कहते हैं। कैसे? कि जो ब्रिटिश थे वो भारत में शासन करते थे, ठीक है। तो भारत में शासन करने के लिए भारतीयों के अंदर संप्रदायवाद को जगाना था, भारतीयों के अंदर संप्रदायवाद को जगाना था। तो संप्रदायवाद से क्या होता है? संप्रदायवाद से जो संगठन की शक्ति है, संगठन की शक्ति, संप्रदायवाद से संगठन की शक्ति कमजोर होने लगती है, अर्थात लोग बंटने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे या अपने को दूसरे से अलग मानने लगेंगे, चाहे किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र संस्कृति के आधार पर, चाहे नस्ल के भी आधार पर ही क्यों ना हो, तो लोग अपने आप को संप्रदायों में बांट देंगे। फिर संप्रदाय वो किसी भी आधार पर बना हुआ संप्रदाय हो। तो ब्रिटिश जो जेम्स मिल था वो भारत, वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों को अपनी साम्राज्यवादी शक्ति को बढ़ाना था, भारत में मजबूत करना था, तो उसे भारतीयों के अंदर संप्रदायवाद को लाना था। और इस संप्रदायवाद से क्या होता? उनका साम्राज्यवाद, साम्राज्य उनका साम्राज्यवाद मजबूत होता है। उनका साम्राज्यवाद मजबूत होगा, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? संप्रदायवाद के आधार पर इतिहास की रचना करी। तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के आधार पर नापा। तो उन्हें उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा और मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कहा और ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश काल कहा, ठीक है। एक उन्होंने जो लिखा हिंदू काल और मुस्लिम काल के बारे में, उसमें कुछ सीमाएं और हैं। जैसे जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की जो समझ है वो ब्रिटिश को नहीं हो सकती थी उस समय, तो यही उसकी सीमा भी बनी कि जेम्स मिल को भारतीय समाज की समझ नहीं थी। उसने इतिहास को संप्रदायवाद के आधार पर बांटकर लिखने की कोशिश की, लेकिन उसे भारतीय समाज की समझ नहीं थी, ठीक है। तो हमने इसे नेगलेक्ट किया और इसके इसको नकार दिया। फिर इसके बाद जेम्स मिल के बाद, यानी कि और जो जितने भी साम्राज्यवादी इतिहास लेखक आए, साम्राज्यवादी इतिहास लेखक का मतलब है वही जो ब्रिटिश से संबंधित थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा उन्होंने इसी में बांटा, और उनका जो इतिहास लेखन था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था, यानी कि अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने इतिहास की रचना की। लेकिन इसके बाद जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक आए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखक, ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं इन्होंने इस काल को बदला, यानी कि इसका जो नामकरण है उसको बदला। तो इन्होंने हिंदू काल की जगह इसको क्या लिखा? प्राचीन भारत। मुस्लिम काल की जगह इसको क्या लिखा? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और इसको क्या लिखा? आधुनिक भारत। इसको लिखा उन्होंने आधुनिक भारत, ठीक है। अब देखो, साम्राज्य जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक इतिहासकार थे, इतिहास लेखन लेखाकार थे, जो उन्होंने हिंदू कालों क्या लिखा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अच्छा, ये नकल थी एक तरीके की, से नकल कह सकते हैं हम। देखो कैसे, क्योंकि जो इन्होंने इतिहास लिखा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने, वो यूरोप से प्रेरित था, यानी कि जो उससे पहले भी जो ब्रिटिश लेखक हैं, जेम्स मिल हैं, जो इन्होंने लिखा है वो यूरोप केंद्रित ही लिखा था, क्योंकि उन्हें भारतीयों से तो कोई मतलब था नहीं, उन्हें तो अपनी साम्राज्यवाद को बढ़ाना था। तो उन्होंने जो अपना इतिहास का जो बंटवारा किया है, जो नामकरण किया हुआ है यूरोप में, उन्होंने वही एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो भारतीयों ने भी उसी का आधार पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कर दिया। लेकिन इसका जो आधार था वो यही रखा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। मतलब ये केवल नामकरण अलग कर दिया गया, लेकिन आधार उसका वही बना रहा, अर्थात जो शासक थे, हिंदू शासक, यानी कि जो भी मध्यकाल के जो मुस्लिम शासक हैं उसे बस मध्यकालीन भारत लिखा, लेकिन उसका आधार बिल्कुल वही रखा।
इसके बाद आते हैं मार्क्सवादी लेखक। मार्क्सवादी लेखक को जो मार्क्सवादी लेखक का जो आधार है इतिहास को लिखने का, उनका आधार समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित जो इतिहास लिखा गया वो मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने लिखा, और वही मार्क्सवादी इतिहास लेखक इस हिंदुकाल को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में तो बांटते हैं, लेकिन उनका जो बांटने का आधार क्या है, समाज और अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर। इसलिए अब जब से मार्क्सवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ है उसके बाद से जो इतिहास में जो डेट होती हैं, तिथियां, उनका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया, क्योंकि इतिहास में जो सामाजिक और अर्थव्यवस्था के जो परिवर्तन होते हैं वो किसी एक निश्चित तारीख में नहीं होते, तिथि में नहीं होते। अब जैसे मैं कहने लगूँ कि पुनर्जागरण कब आया, तो पुनर्जागरण की कोई निश्चित तिथि तो है नहीं कि सन फलाने में आया, ढिमके में आया, वो एक निश्चित, वो तो बदलाव है, वो 100 साल में जाके हुआ है या 50 साल में जाके हुआ है, तो उसमें अब तिथियों का इतना महत्व नहीं रह जाता। तो ये जो डर है लोगों के बीच में कि इतिहास तिथियों का एक संकलन है, ये भी निकल जाता है। आज इतिहास को जानने के लिए लॉजिक की अर्थात तर्क की आवश्यकता है, ना कि तिथियों की। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया कि इतिहास क्या है और इतिहास जो लेखन की व्यवस्था है वो क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। जेम्स मिल ने क्या लिखा, उसकी सीमाएं क्या थी, उसकी सीमाएं क्या थी। सबसे पहला जेम्स मिल की सीमाएं क्या हैं कि उसने जो इतिहास लिखा है वो यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक का मतलब यूरोप केंद्रित, और दूसरा वो भारतीय जो समाज है उसकी समझ नहीं रखता। तीसरा, उसे साम्राज्यवादी शक्ति के प्रसार के लिए संप्रदायवाद का सहारा लेना था, तो उसने उसी के आधार पर इतिहास का लेखन किया। लेकिन भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं उन्होंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा, लेकिन उन्होंने उसका बेस वही रखा, बांटने का आधार वही रखा जो ब्रिटिश लेखक हुआ था। लेकिन जो मार्क्सवादी लेखक आए, मार्क्सवादी लेखक आए उन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था को के बदलाव को इतिहास लेखन का आधार बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखते हैं, तो आपने जान लिया कि इतिहास क्या है और इतिहास लेखन के क्या आधार हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं कि इतिहास को कैसे बांटा है हमने, क्योंकि हमें भारतीय इतिहास पढ़ना है। ठीक, तो इतिहास में इसे सामान्य रूप से तो इसे तीन प्रकार से ही बांटा गया है, जैसा आप देखते हैं। नंबर एक, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया, ठीक है, या प्राचीन इतिहास भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हमें तो भारत का इतिहास पढ़ना है, तो हम प्राचीन, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा जो ब्रिटिश भारत है जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो प्राचीन भारत, अब ये जो हम सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसको इस जगह लिख लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे जब, डायग्राम बनेगा तो बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख लेता हूँ, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत को भी कई भागों में बांटा गया है, देखो प्राचीन भारत को कई भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल,
और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ठीक है। अभी जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें रखा गया है पाषाण काल को, इसमें रखा गया है पाषाण काल को यानी कि स्टोन एज। पाषाण कैसे कहते हैं पत्थर को, तो स्टोन एज यानी पाषाण काल को रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल जो है इसमें रखा गया है सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया है। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें रखा गया है आपका जो वैदिक काल है, वैदिक काल से शुरू होता है और आगे का कहाँ तक, पूर्व मध्य काल तक, पूर्व मध्य काल तक। अब इसमें भी थोड़ा सा अतिक्रमण है चीज़ों को लेके, देखो कैसे समझाता हूँ अभी। ये जो पाषाण काल है ये तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक पूरा पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल ठीक है। इसमें फिर एक और आता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद आती है सिंधु सभ्यता ठीक है, और सिंधु सभ्यता के बाद आती है वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता भी दो भागों में है, एक तो है ऋग, एक तो है वैदिक सभ्यता जिसमें वेद हैं, जिसमें वेद हैं लिखे गए हैं, जो किसके आधार पर चली है, श्रुतियों के आधार पर, श्रुति, जो श्रुतियों के आधार पर है, श्रुतियों के आधार पर ठीक है। जो श्रुतियों के आधार पर यानी कि जो वेद हैं हमारे उनकी कोई लिपि नहीं थी ठीक है ना, यानी कि जो वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य, उनकी अपनी लिपि नहीं थी, उनकी भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी। तो लिपि ना होने की वजह से वो स्मृतियों में रखते थे, यानी कि शिष्य को, गुरु शिष्य को याद कराता था, फिर वो शिष्य फिर अपने शिष्य को याद कराया करता था, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास आगे चलता रहता था। लेकिन उसके बाद आपका जो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, यानी कि छठी शताब्दी से पूर्व, छवी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, तो उसमें कई आए जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, और जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, यानी कि ये लिखित साहित्य हैं। फिर लिपि का आविष्कार हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिखित साहित्य है, ये लिखित नहीं है बल्कि श्रुतियों के आधार पर संकलित किया गया है ठीक है। अब ये सिंधु सभ्यता है इसकी अपनी लिपि तो है, सिंधु सभ्यता की लिपि है, साहित्यिक साक्ष्य हैं, लेकिन इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है, इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है ठीक है। ये जो ये हैं पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल तक यहाँ का, यहाँ ना तो कोई लिपि है और ना ही कोई साहित्य है, ना लिपि है और ना कोई साहित्य है, ना कोई साहित्यिक स्रोत, जब लिपि ही नहीं होगी तो साहित्यिक स्रोत भी नहीं होंगे। तो फिर इतिहास किस आधार पर लिखा गया है, साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर ठीक है। अब इसमें
ये ना लिपि है और ना ही इसका अपना कोई साहित्य है। तो ये इतिहास लेखन किस आधार पर हुआ? साक्ष्यों के आधार पर। तो ये साक्ष्यों के आधार पर लेखन है, इसकी अपनी लिपि है सिंधु सभ्यता की, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इस पर भी साक्ष्य ही, तथ्यात्मक साक्ष्य जो हैं, यानी कि साक्ष्यों के आधार पर ही इसका इतिहास लेखन होता है। लिपि तो है लेकिन इतिहास लेखन साक्ष्यों के आधार पर, क्यों? क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब इसके बाद जो ऋग्वैदिक काल आते हैं, जो वेद है, वेद लिखे नहीं गए, बल्कि वेद किस आधार पर? श्रुतियों के आधार पर उनको संकलित किया गया है। जो शिष्य, गुरु अपने शिष्य को और शिष्य फिर अपने शिष्य को ऐसे पढ़ाता था, तो स्मृतियों में रखा जाता था उसको। उसके बाद फिर 6वीं शताब्दी सब पूर्व में ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी अपनी लिपि हुई है। ठीक है, अब जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पहले निम्न को पढ़ेंगे, फिर मध्य को पढ़ेंगे और फिर उच्च को पढ़ेंगे। ठीक, पुरापाषाण काल 3 भागों में है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ और फिर इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल पहला, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो निम्न के बारे में देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। देखो, ये इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पूरा पाषाण काल का निम्न का मतलब है उससे भी पहला। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से और लगभग 70,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब ये 5 लाख कोई फिक्स नहीं है, ये लाखों वर्ष पूर्व भी कह सकते हैं हम इसे, कि लाखों वर्ष पूर्व से, यानी कि इससे पहले से लेकर और 70,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है उसे हम निम्न पुरापाषाण काल में रखते हैं। तो हम देखते हैं, अब इतने पुराने समय के ना तो कोई साक्ष्य रहेंगे, क्योंकि मानव के भी साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, और जो उस समय मानव ने चीज़ें बनाई होंगी लकड़ी की या जीवाश्म जो बनाए होंगे वे भी सब समाप्त हो गए होंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है भारत में? देखो, भारत में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि भारतीय भूतत्व वेदता थे, भारतीय भूतत्व वेदता, भारतीय भूतत्व वेदता में काम करते थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रासफुट। वो दक्षिण भारत में जो पल्लवरम है, पल्लवरम में एक रूटीन कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो रूटीन कार्य करते हुए उनकी नज़र एक बजरी के, यानी कि पत्थर के ढेर पर पड़ी, पत्थर के ढेर पर। और ये लगभग 1863 की बात है, 1863 की ही बात है ये। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रासफुट ने देखा, वो अपना रूटीन कार्य कर रहे थे, पत्थर के ढेर पर उनकी नज़र पड़ी। तो उन्होंने एक देखा, एक पत्थर, कटा हुआ पत्थर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कटा हुआ पत्थर, अब जब उन्होंने पत्थर को उठा के देखा सामने से, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो पत्थर की छटाई हुई हुई है, यानी कि पत्थर में जो कटिंग है वो किसी मानव के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ही की गई है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर फिर और पत्थर खोजे, और जब उनका टाइम पीरियड निकाला तो उसमें पाया गया कि ये पुरापाषाण काल के पत्थर हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कई जो पुरातत्व विभाग है उसमें उनके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया और जगह जगह पर ये खोजे गए और इनका तथ्यात्मक आधार पर
और जो तारीख निकालने का होता है, जो कार्बन डेटिंग होती है, उसके आधार पर इनके काल पीरियड यानी समय का पता लगाया गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है निम्न प्रापाषाण काल की। अब देखिए निम्न प्रापाषाण काल में जो मानव है उसका मुख्य कार्य क्या है। मानव जो है, देखिए किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उसमें तीन चार चीज़ें होती हैं, जैसे राजनीति, दूसरा समाज, तीसरा संस्कृति और चौथा अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसी भी सभ्यता को समझना है और उसे और गहराई से समझना है तो उसकी राजनीति, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के इतिहास को जानना होगा। तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर लोग कैसा काम करते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो हमें इसका अध्ययन करना था निम्न प्रापाषाण काल का। तो हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, पत्थर की पत्थर से ही चटाई करते थे। ठीक है, कोई जीवाश्म नहीं पाया गया है तो उसी के आधार पर आइडिया लगाया गया कि ये पत्थर की चटाई जो है इस किसके लिए की गई थी, शिकार के लिए। तो मानव का जो ये समाज जो है वो कैसा है, शिकारी है, आखेटक है, शिकारी है, शिकार करता है। ठीक है, राजनीति उस समय पर नहीं कह सकते, उसमें कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है। संस्कृति तब तक विकसित नहीं हुई है। संस्कृति आप मान सकते हैं कि शिकार करता है, गुफाओं में रहता है, पत्थरों के जो औजार हैं उनका उपयोग करता है। अर्थव्यवस्था उसकी कोई थी नहीं, ये खाना शिकार करा और खा लिया, यही उसकी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो ये कैसा मानव है, ये केवल आखेटक है। लेकिन एक चीज है भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण का मतलब भोजन को इकट्ठा करना, नहीं निम्न प्रापाषाण काल में ये नहीं मिलता। ठीक है, तो उस समय मानव कैसा था, मानव आखेट करता था यानी कि शिकार करता था और खाता था, गुफाओं में सोता था, पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। ठीक है, संगठित नहीं रहता था, घरों में निवास नहीं करता था। ऐसे ही आज यहाँ मिल गए तो कभी कहीं जाके सो गया, कभी कहीं पेड़ों पे सो गया। तो इस तरीके के इस तरीके का मानव का जीवन बना हुआ था कब, पुरापाषाण काल में। ठीक है, अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, नहीं इससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, निम्न पुरापाषाण काल में। तो इस समय जो औजार पाए गए हैं पत्थर के, ये पत्थर के जो औजार हैं, ये पत्थर के जो औजार हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पेबुल और दूसरा हैंडक्स। पेबुल और हैंडक्स। अभी पेबुल क्या है, पेबुल होता है जो पानी की रगड़ से पत्थर चिकने हो जाते हैं, उन्हें पेबुल कहा जाता है। तो पानी की रगड़ से जो पत्थर चिकने हुए हैं उन पत्थरों का उपयोग ये मानव करता था निम्न प्रापाषाण काल का मानव। हैंडक्स कैसा है, हैंडक्स का मतलब होता है एक जैसे कुल्हाड़ी होती है, यानी कि हैंडक्स का मतलब हस्त कुठार, हस्त कुठार का मतलब है पत्थर को इस तरीके से कोण के रूप में, जैसे पत्थर है तो इसमें ये कटिंग हुई है, इसमें इस तरीके से कटिंग की गई है, ये ऐसे, यानी कि इसमें जो कारीगरी की है, हाथ से जो इसमें कारीगरी की है वो हस्त कुठार है। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में पल्लवरम अतिरम पक्कम से, दक्षिण तमिलनाडु से। और ये पेबुल संस्कृति है, ये है उत्तर भारत की, ये है उत्तर भारत की संस्कृति। और उत्तर भारत कहाँ, जो पंजाब है उत्तर भारत में, कहाँ, पंजाब में। और पंजाब कौन सा, जो पाकिस्तान का पंजाब है, सोहन नदी घाटी। तो सोहन नदी घाटी में जो साक्ष्य मिले हैं निम्न प्रापाषाण काल के, कैसे हैं, पेबुल और हैंडक्स। तो इसलिए इसे पेबुल संस्कृति भी कहते हैं और हैंडक्स संस्कृति भी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये पेबुल के साक्ष्य कहाँ हैं, पंजाब में सोहन घाटी, कहाँ, सिंधु की एक सहायक नदी है, सिंधु नदी जो है। देखिए जैसे ये इंडिया का मैप बना लेते हैं, ये तो ऐसे सिंधु नदी आती है, ये सिंधु, तो इसी की सहायक नदी है सोहन नदी। तो सोहन नदी की घाटी में जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसलिए इसे सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। और ये
कैसे हैं? पेबुल हैं, पानी की रगड़ से जो चिकने हो गए पत्थर। हैंडक्स कैसे हैं? हस्तकुठार, जो जिनमें यानी कि जिनमें कारीगरी की गई है। हस्तकुठार ये कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत में। ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। पल्लवरम, पल्लवरम अतिरम पक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। देखिए निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो पेगुल संस्कृति है ये मध्य पाषाण काल तक आते आते और सुसंस्कृत हो गया। इसका मतलब ये और ही और ज़्यादा अच्छे से हथियारों का उपयोग करने लगे। जो पत्थर के हथियारों का उपयोग करते हैं, जो पत्थर के औजार हैं, ये और परिष्कृत हो गए। परिष्कृत, परिष्कृत कैसे? परिष्कृत कैसे? जो ये पेबुल है इसमें चापर चापिंग। अच्छा, इसे भी, ये पेबुल मैंने यहां पढ़ा था, उसे भी चापर चापिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, चापर चापिंग, चापर चापिंग। ठीक है, स्क्रेपर, स्क्रेपर। ठीक है, तो ये पत्थर का उपयोग कर रहे हैं, कैसा पत्थर है? क्वार्टजाइट पत्थर है। ठीक है, तो ये चापर चापिंग, चापर का मतलब है एक धार वाला, एक धार वाला। और चापिंग का मतलब क्या है? दो धार वाला। चापर का मतलब एक धार वाला, चापिंग का मतलब दो धार वाला। दो धार वाला, एक धार वाला कैसे? कोई पत्थर है, ठीक है, तो एक धार वाला का मतलब है इसकी एक जो फलक है, एक फलक इस तरीके से, मतलब इसमें धार होगी, मतलब इस तरीके से नहीं, ये छटा हुआ होगा एक तरफ से, तो एक तरफ से छटा हुआ यानी कि एक धार वाला, और चापिंग दो धार वाला जिसमें दोनों किनारे छटे हुए हों। ठीक है, तो इस तरह का पत्थर कैसा है? चापर चापिंग। ठीक है, स्क्रैपर भी इसी प्रकार का होता है, खुरचनी होती है जिसमें एक तरफ से है, उसे छाल यानी कि पेड़ों की छाल को खुरचने के लिए उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, यानी कि इससे शुद्ध और परिष्कृत जो हथियारों का उपयोग किया इन्होंने मध्य पुरापाषाण काल में आके। ठीक है, लेकिन इसमें एक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे मध्य पाषाण काल में, कि मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव जो है, जो सामाजिक यानी कि उसका जो आखिर तक की स्थिति जो थी, ये शिकार तो करता है, शिकार तो करता ही है, अब साथ में संग्राहक भी हो गया है। ठीक है, शिकार के साथ साथ संग्राहक, तो शिकार करता है और भोजन को इकट्ठा कर लेता है। भोजन को इकट्ठा कैसे करता है? देखो, भोजन को इकट्ठा कैसे करना, जैसे पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण काल का कोई व्यक्ति है, वो शिकार करने के लिए निकलता है। ठीक, अब वो देखता है कि रोज शिकार करना पड़ता है, तो उसने क्या सोचा, अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा, और यानी कि जो शिकार करता था, जिन जानवरों को आसानी से शिकार किया जा सकता था, उन्हें पकड़ के घर में लाना शुरू कर दिया और उनके बाड़े बनाने शुरू कर दिए। ठीक है ना, और फिर जब जरूरत पड़ती थी तो वहीं से निकाला और उसका शिकार करके खा लिया। ठीक, यानी कि अब शिकार के साथ साथ संग्राहक के रूप में भी है अपनी भूमिका निभाने लगा था। अब देखते हैं, अब अभी आग का आविष्कार नहीं है, मतलब आग तो है लेकिन वो आग का उपयोग करना नहीं जानता मनुष्य। तो इसमें इसके जो स्थल हैं, इसके जो स्थल हैं मध्य पुरापाषाण काल के, वो यूपी में हैं, एमपी में हैं, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में। देखो स्थल बहुत हैं, 100 से भी ज़्यादा, सैकड़ों स्थल हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी का देख लेंगे हम, तो वाराणसी में, सिंगरौली में, वाराणसी मतलब बनारस, सिंगरौली में, और आपका बेलन घाटी जो क्षेत्र है, इलाहाबाद में जो बेलन नदी है उसमें इसके मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, एमपी में वही है भीमबेटका जो स्थान है एमपी में, वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। तो उच्च पुरापाषाण काल कैसे मध्य पुरापाषाण काल से अलग है? देखो, इसमें जो पत्थर के औजार हैं और परिष्कृत हो गए हैं, इसमें जो फलक है यानी कि जो ब्लेड मिलता है, ब्लेड, ब्लेड, स्क्रेपर, भेदक, इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं।
और ये ब्लेड कैसा है? ब्लेड होता है जिसके दोनों किनारे समानांतर हो और दोनों किनारे चिकने हो और पैने हो, यानी कि जो दोनों किनारे समानांतर, यानी कि जिसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, इसका अनुपात 2:3 में है ब्लेड का। ऐसे ही स्क्रेपर होता था छाल उतारने के लिए, यानी कि एक तरफ से जिसमें धार होती थी। ठीक है, अब इसके स्थान लिख लेते हैं। इसके स्थान है बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी यहाँ भी है और यहाँ भी पाए गए हैं। ठीक है ना, तो बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। तो बेलन घाटी यूपी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगला है सिंहभूमि, सिंहभूमि, सिंहभूमि कहाँ है? बिहार में। ठीक है, जोगदहा, जोगदहा भीमबेटका, जोगदहा भीमबेटका, ये कहाँ है? भीमबेटका भी कहाँ पढ़ा हमने? एमपी में। तो ये एमपी में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में है इनाम गांव, इनाम गांव महाराष्ट्र से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में। अब देखो, ये जो उच्च पुरापाषाण काल में यहाँ से हड्डियों के बने भी कुछ उपकरण मिले हैं। ठीक है ना, हड्डियों के बने उपकरण कैसे? जैसे इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है, ये जो इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है, यहाँ है लोहद नाला, जो स्थान है लोहद नाला, लोहद नाला स्थान से अस्थि की मूर्ति, अस्थि की मूर्ति का मतलब है अस्थियों पे कुछ काम, यानी कि उसमें उन्होंने कुछ कलाकारी की हुई है, उसी को हम अस्थि की मूर्ति कह सकते हैं। ठीक है, जो और कुछ पत्थर के कुछ खंड मिले हैं, खंड जो रंगे हुए हैं, रंगे हुए, ठीक है, रंगे हुए हैं कैसे? मतलब वे नीले रंग के हैं, नीले, जो नीले रंग के रंगे हुए हैं। तो अब इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं? नीले रंग के जो प्रस्तर खंड हैं, क्या हो सकता है? रंग कोटने के लिए, यानी कि जो चित्रकारी करने के लिए, जो रंग से चित्रकारी की जाती होगी उसके लिए, उसे बनाने के लिए या उसमें रखने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता होगा। तो आप देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते मनुष्य क्या रंगों को भी जान गया होगा। ठीक है, हालांकि जो अच्छे से रंगों को जानने का जो साक्ष्य मिलते हैं वो पुरापाषाण काल के बाद, जो हम यहाँ मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से चित्रकारी की गई है गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने पुरापाषाण काल पढ़ा है, जिसमें तीन चीज़ें पढ़ी हमने, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। कल हम मध्य पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हिस्ट्री के इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।